आज हमारे साथ में वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुशेश चैनल पर हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती, तेज तर्रार और अपनी बातों से, न सिर्फ अपने डायलॉगों से, एक लंबे समय तक फिल्मी कैरियर रहा, आपने कई फिल्में भी बनाई, कई फिल्मों में काम भी किया, आजकल एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और समाज में होने वाली हर वो घटनाएं जिस पे आपने राजनीतिक लोगों के बयान सुने होंगे या दूसरे पत्रकारों के बयान सुने होंगे, लेकिन पुनीत इसर एक ऐसा चेहरा है जिन्हें ये देश दुर्योधन के रूप में देख चुका है। इनकी दहाड़ती हुई आवाज और इनका अंदाज बिल्कुल अलग है और आप समाज में होने वाली उथल पुथल और देश में होने वाले बहुत सारे मामलात पर अपनी राय रखते हैं। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पुनीत जी ने अपना जो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था उसमें से मुझे समय दिया और आज वो खासतौर से जो भारत की राजधानी में एक किसानों के नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को पूरे देश ने देखा, आज 3 महीने से ऊपर हो गए, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे कैसे लोग शामिल हैं, भारत सरकार ने उनसे 14 बार बातचीत भी की, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको मनाने की कोशिश की और तमाम एक 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 कई पैनल भी बनाए, लेकिन इस देश ने एक ऐसा रूप देखा जिससे इस देश के हर उस आदमी को जो सनातन का है, जो इस राष्ट्र से प्यार करता है, इसके सरोकारों से प्यार करता है, इसकी संवेदनाओं से प्यार करता है, इसकी आस्था से, सरोकारों से, उन सब लोगों को 26 जनवरी पे जो लाल किले के ऊपर जिस तरीके का आप कह सकते हैं कि उत्पात मचा, भारत राष्ट्र के झंडे को जिस तरह से अपमानित किया गया, उसको लेकर के पुनीत भाई बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात रखें और फिर उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और वो सवालों के माध्यम से भी मैं समझता हूं कि देश की जो आहत आत्मा है उस पे मरहम लगाने का काम करेंगे। पुनीत जी, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुशेश में आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि इस पूरे बात जो 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 भी ये आंदोलन है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं इस पे आप अपनी पूरी बात रखें, ये देश आपको सुनना चाहता है। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं शर्म से मेरा सर झुक चुका है। जो 26 तारीख को जो हुआ दिल्ली के लाल किले पर, हर भारतीय शर्मसार है और दुख अंदर से इस बात का था कि जो हमारे देश के रक्षक हुआ करते थे, जो एक कौम जो आदरणीय थी, जिन्हें हमारी रक्षा का भार सौंपा गया था, हमने उनको रक्षक की जगह भक्षक बनते देखा। दे टुक द लॉ इन देयर हैंड। मैं कहता हूं कि आपका जो है मतभेद सरकार के साथ हो सकता है, व्यक्तिगत रूप में किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपका मतभेद राष्ट्र के साथ नहीं हो सकता। और आप उस तरह मतलब आप जाते हैं, आपने एक पीस मार्च बोल के आपने परमिशन ली और आप रेड फोर्ट में घुसकर जो आपने उत्पात मचाया और आपने जाकर लाल किले पर चढ़कर जो हमारे तिरंगे झंडे का जो अपमान किया, ये हर भारतवासी याद रखेगा। इतना दिल दुखा, मतलब मैं क्या बताऊं पुष्पेंद्र जी, मतलब इतना गुस्सा था, आक्रोश था कि ये कर रहे हैं, ये गुरु के बंदे हैं, नहीं ये खालसा नहीं हो सकते, ये सिख नहीं है, ये वो कौम नहीं है जिन्हें हम बड़ा भाई मानते हैं। मतलब आपको बताऊं पुष्पेंद्र जी, एक सरदार जो है ना वो रक्षा का प्रतीक है, हम उनको बड़ा भाई मानते थे कि ये जो है, ये जो सिख, ये जो खालसा बने हैं, ये हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए बने हैं और वो ये कुकर्म कर रहे हैं। तो बहुत ही दुख हुआ, आप जानते किस तरह, अरे मैं उन जो ये जो फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं, जो खालिस्तान का जो एजेंडा है, ये जो हमारे देश का विभाजन करना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, क्या इनको पता भी है, अगर सरकार चाहती ये 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते थे, कहां से बढ़ते। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुसकर उनको ठोकने की क्षमता रखता है, जो चाइना से लोहा लेने की क्षमता रखता है, उसने आपको इसलिए आने दिया क्योंकि वो आपको अपना समझता है कि आप हमारे अपने हैं, कोई बात नहीं।
आप देखिए, पुलिस वाले चाहते तो गोली चला सकते थे, उन्होंने नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि आप हमारे अपने हैं। और उसका आपने ये सिला दिया, नरभक्षियों की तरह आपने लोगों को पीटा। क्या पुलिस का कोई मानवाधिकार नहीं है? उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? एक किसान के मरने पर मैं देख रहा हूं किस तरह जो राजनीति चल रही है, कि उसके फैमिली का दुख और जो पुलिस वालों का जो दुख, उनके परिवारों के दुख का क्या? तो ये पहली बात तो ये कि उन लोगों के साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन, जो ह्यूमन है ही नहीं। तो बहुत ही मन उद्वेलित था, बहुत ही विचलित था, और जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। अरे भाई, आप ये जो किसान केवल क्या पंजाब में है? पूरे हिंदुस्तान में किसान है भाई। और हमारी सरकार ने तो उनसे कहा, आप अगर आप बिल पढ़ें, मैं समझता हूं 90% ऑफ जो किसान भाई जो हैं, इनको शायद बिल का मतलब ही नहीं पता। ये किसान कहां से हैं? ये तो बिचौली है, ये तो आड़ती है, जिनको आड़ती से जिनको तकलीफ हो रही है कि उनका सालाना उनका पैसा कट रहा है, और वो आपको आग दिए जा रहे हैं, वो इसको फूंक रहे हैं। और सर, मुझे तो लगता है कि जो सबसे बड़ी हमारे देश की प्रॉब्लम है, हमारे जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जिनका फार्मर से कोई लेना देना नहीं है, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, ये खालिस्तान, ये वामपंथी, ये कम्युनिस्ट, ये आईएसआई, ये सब मिलकर इनको बढ़ावा दे रहे हैं। कहां कहां से पैसा आ रहा है दुनिया जानती है। सरकार ने तो उनसे, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये हमने कह दिया कि भाई आप जो है 18 महीने जो है हम इसको बिल को जो है हम रोक देते हैं, आप आइए। ये आने को तैयार नहीं है क्योंकि मैं भड़काया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब समझते हैं लोग। पर मेरा कहना, आपने वहां पे किया क्या? सारे वीडियोस बाहर हैं। अच्छा, दुख की बात सर ये है कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि कुछ लोगों ने किया। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। एक वो कैरेक्टर, कोई एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसको आपने इतना बड़ा बनाया कि वो जो था, वो जस्ट बिकॉज की पिक्चर एक सनी देओल के साथ थी और अपना प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ थी, तो क्या वो बन गया? वो जब उसने सर नवंबर, जो दीप सिद्धू है, नवंबर एंड में बरखा दत्त को इंटरव्यू में कहा कि मैं खालिस्तान को सपोर्ट करता हूं, उसके बाद फिर वो आपके आंदोलन में क्या कर रहा था? आपने क्यों नहीं निकाला उसको? इससे आपकी मनोदशा जो है वो साफ पता चलती है कि आप क्या चाहते थे, आप किन से पैसा ले रहे थे। तो ये जो है, इसका जवाब दुनिया को देना होगा। इन ये जो लोग जो हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा और हमारे देश का, हमारे तिरंगे का अपमान किया है, इनको इसका जवाब देना होगा। कमाल, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस तरह लोग कर रहे हैं। और आप देखिए ये किस तरह का कैसा नैरेटिव चल रहा है सर, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। दुनिया भर की ताकतें मिल गई हैं जस्ट बिकॉज भाई कि हमको एंटी मोदी बनना है। आपके देश की कोई बात ही नहीं कर रहे सर। आप तो जानते हैं जो सीए जिसने लागू किया, हमारे सिख भाई जो आप नोट करिए, जो अपना अफगानिस्तान में जो पीड़ित थे, वो सीए लागू करने की वजह से वो हिंदुस्तान वापस आ सके हैं, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आप बस कह देंगे हम ठोक देंगे, हम गोली मार देंगे। अरे ये क्या क्या भाषा क्या है ये? पता आपको सर, इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं, इनकी ये टोटल तादाद में ये 3 करोड़ से ऊपर नहीं है। सच एन इररिस्पॉन्सिबल इनका जो एक्ट रहा है। इन्होंने क्या अपने बाकी सिख भाइयों का सोचा जो पूरे हिंदुस्तान में ठहरे हुए? किस दहशत में जी रहे हैं वो लोग? सर मेरे जो हजारों सिख भाई हैं, They are petrified कि इन्होंने गधों ने ये क्या हरकत की है, और ये this is wrong, and हम नहीं इनके साथ, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, तो क्या करेंगे? अब खालिस्तान की मांग किससे कर रहे हैं लोग? जो असली पंजाब है वो तो पाकिस्तान में रह गया है। जाइए आपके जो पांच दरिया हैं, 3 दरिया पाकिस्तान में है, तो क्या खालिस्तान की मांग जब वहां से शुरू करिए? मांगिए खालिस्तान से, अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान से खालिस्तान मांगिए। पुष्पेंद्र जी, मुझे तो दुख इस बात का था कि 250 किलोमीटर ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। अरे हिम्मत है तो 2.5 किलोमीटर करतारपुर में ट्रैक्टर चला के ये रैली निकाल देते, उस जगह को कब्जा करते, तो शायद हमें अपना वीजा लेकर करतारपुर नहीं जाना पड़ता।
वहां हमारे पाकिस्तान में हमारी बहू बेटियों को, सिख ग्रंथियों की बेटियों को रेप किया जा रहा है, उन्हें जबरन उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। इट्स अ पाकिस्तान प्लॉय, इट्स एन आईएसआई का प्लॉय है ये। वो तो कह रहे हैं कि भैया इनको तोड़ा जाए, एक बार इनको तोड़ दो फिर इनको तो हम कभी देख लेंगे, ये तो ही मूर्ख। दिस इज द वे दे स्पीक। और हम जिनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, जिनको आदर से देखते हैं, आप और वो आप आज कह रहे हैं कि जी हिंदू जो है हमने, ये गद्दार कौम है और हमने इनको बचाया है और हमने इनको किया क्या। सर दुख इस बात का हो रहा है, यू नो। अब आप देखिए आज मतलब कितना, मैं आज देख रहा था ये दो दिन से ये चल रहा है कि जी जो क्या नाम जो सिंगर है जी, एक रिहाना ने ट्वीट कर दिया जी। आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए साहब, अगर लता मंगेशकर कुछ ट्वीट करेगी उस पर कोई तवज्जो नहीं देगा। एक सिंगर जो मीडियोकर सिंगर है, अगर उससे मैं पूछूं कि हमारे हमारा जो फार्म बिल क्या है, उसको एक पॉइंट नहीं पता होगा। अब जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट द पावर, आपके कुछ फॉलोअर्स हैं और आपको ट्वीट करने की शक्ति है, सच एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो रिहाना की थी साहब। चला मैं आपसे बात, मैं रिहाना से सवाल करता हूं और उसके समर्थकों से पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले महात्मा गांधी के स्टैच्यू को वैंडलाइज किया गया, उसको डिसरप्ट किया गया वॉशिंगटन में, अमेरिका में। क्या उसने उसके उसके खिलाफ इन इन जो ये जो फार्मर्स एजुकेशन जो कर रहे थे वहां पे, क्या उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई? महात्मा गांधी जो अहिंसा की प्रतिमूर्ति है, उनके स्टैच्यू को इन्होंने वैंडलाइज किया, तब नहीं बोली और आज बोल रही है उनके इवज में, विच वॉज वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल। और इसका खंडन हर भारतीय को करना चाहिए। अब हम सर आप आते हैं ये ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडिश एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं और नोबेल प्राइज जीत चुकी हैं, वो इन फार्मर्स के इवज में इनके हक में ट्वीट कर रही हैं, इनके हक में बोल रही है। उसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे जो वन ऑफ द बिल्स इज, ये जो स्टबल बर्निंग होती है वो बंद होनी चाहिए। स्टबल बर्निंग इज अगेंस्ट द एनवायरमेंट, ये पूरे वातावरण को दूषित करता है। तो वो तो खुद कॉन्ट्रेडिक्ट, तू किस बात के एनवायरमेंटलिस्ट है? आपको पता कुछ है नहीं, बस जस्ट बिकॉज सर ये डिजाइन है, इनको पैसे दिए जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट। आपने ये इररिस्पॉन्सिबल, आपने ये ट्वीट कैसे किया, इनका समर्थन कैसे इन आतंकवादियों का, ये जो इनका जो हुआ है, जो जिहाद कर रहे हैं, ये जो आईएसआई कर रहा है, ये जो तालिबान भी है, इस तरह के जो लोग है, हाउ कैन यू सपोर्ट देम? दैट गोज अगेंस्ट द बेसिक। आपका जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो है आप जो पर्यावरण को, जो वातावरण को जो सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ है। दिस इज ऑल्सो दैट। अब जो तीसरा जो है वो पोर्न स्टार कौन है, मैं तो कभी इसको देखा नहीं है। आप इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, पर बहुत ही शर्म आती है साहब हमारे देश में, तो इट इज सच अ थिंग। और मतलब नहीं मैं समझता, बट मैं आपको बताऊं पुष्पेंद्र जी, हमारे यहाँ पे लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, दे अंडरस्टैंड द नैरेटिव, ये कहां से कौन पैसे दे रहा है, किसको दे रहा है, उससे ट्वीट करा दो, उससे करा दो, प्रेशर जो चारों तरफ से डाल दो। लेकिन अब नहीं चलेगा, लोग है ना सर ये अपने दिमाग में रख के बैठे हैं। आप चुप है कोई बात नहीं, जब अगला इलेक्शन आएगा हम आपको टाइट करेंगे, हम आपको ज्यादा भारी बहुमत से हम फिर से सरकार को जिताएंगे। बिकॉज मेरे लिए सर राष्ट्र सर्वोपरि है, सर्वोपरि मेरा राष्ट्र है, इंडिया फर्स्ट, माय नेशन इज फर्स्ट, और मैं नेशन का विभाजन या नेशन के टुकड़े तो कभी नहीं होने दूंगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, इनफ इज इनफ सर। हर हिंदुस्तानी वो देख रहा है और मन में उनका गुस्सा है उनके, कि ये जो किस तरह कांग्रेस किस तरह बात कर रहा है, आप जो एक जो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप जो सत्ता की रोटी सेक रहे हैं कि साहब एक एक फार्मर एक साला वो ट्रैक्टर वो जबरन चलाते हुए ट्रैक्टर पलटता है वो मरता है और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, आप उनकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारे जो पुलिस वाले इतने जो हजारों पुलिस वाले मरे उनका क्या, उनके माता पिता उनके परिवारों का क्या? इसका जवाब है ना ये पब्लिक जो है ये समझ रही है पुष्पेंद्र जी, इट्स वेरी वेरी सैड सर। पुनीत जी आपने आपने अपनी बात में आपने अपने जो आपके अंदर एक रोष था गुस्सा था वो आपने रखा, लेकिन मैं इसमें एक चीज क्योंकि कुछ चीजें हुई हैं उस पर तो बात हम करेंगे ही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि शुरू से इस पूरे किसान आंदोलन में जो 3 महीने से है,
मैं एक बात वैसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, क्या भारत या लोकतंत्र जहां जहां है दुनिया में, चाइना को छोड़ करके, तो लोकतंत्र में पुनीत जी लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो नुमाइंदे संसद में, पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं और वहां जाकर के उन लोगों की राय से कोई बिल पास होता है, उसमें बहुमत से पास होता है, उसमें सत्ता पक्ष भी होता है, उसमें विपक्ष भी होता है। लेकिन हमने एक अजीबोगरीब ट्रेंड ये देखा हमारे देश में कि पिछले 70 सालों से इस देश के तमाम जो अपने आप को बहुत अवेयर, इनलाइटन, एक्टिव सिटीजन मानते हैं और बहुत बड़ी एक पूरा एनजीओ जो माफिया है और विदेशों में लोकतंत्र की बात करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत में 1976 में व्हेन होल ऑफ द पॉलिटिशियन, मैक्सिमम पॉलिटिशियन वाज ऑल अपोजिशन पार्टी ऑफ कांग्रेस, एवरीबॉडी वाज इन जेल, मैडम इंदिरा गांधी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को लेके आई, न पार्लियामेंट में रखा, न उस पर कोई बहस हुई और आपने भारत के प्रियम्बल में 76 में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ दिया। इस देश में मैंने कोई शाहीन बाग और बुराड़ी नहीं बनते देखा, किसी ने यह नहीं कहा कि लोकतंत्र में इतना बड़ा फैसला कि आप किसी के संविधान के प्रियम्बल में ये लाए तो इसकी चर्चा करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि आज वो ताकतें जो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की और लोकतंत्र की बहुत बात करती हैं, यकायक आज ये 2014 से जो सरकार आई, जितने भी कानून बने इसके साथ में विपक्ष के लोगों ने भी वोट दिया और बहुमत से वो बिल बने। अब जिस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है उससे ऐसा लगता है कि ना तो भारत की संसद में बिल पास होना चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, ये बिल जो है पहले शाहीन बाग वालों से पूछना चाहिए, फिर बुराड़ी वालों से पूछना चाहिए, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वालों से पूछना चाहिए, फिर जेल और जामिया में, फिर दिल्ली में जो रायट से उनसे पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, दंगाइयों जिहादियों से पूछ करके बिल बनना चाहिए। ये एक अजब फैशन हो गया है इस पूरे मूवमेंट में। अन्नदाता अन्नदाता बहुत बात हो रही है, हम सब अन्न खरीदते हैं तब हमको मिलता है सर, ये अन्न उत्पादक हैं, अन्न उत्पादक हैं। लेकिन पुनीत भाई, इस भारत में 135 करोड़ लोगों से कम 100 करोड़ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, कर देते हैं इस देश में, तो कभी करदाता हुए बिल्कुल तो करदाता हुए वो, मतलब आप सोचिए, चंद लोग कह रहे हैं कि ठीक है साहब वो अन्नदाता है, अन्न उगाते हैं लेकिन हमें पैसे में खरीदते हैं। भाई हम तो टैक्स देने के बाद सरकार से नहीं पूछते कि इससे क्या योजना चला रहे हैं, हमको सरकार पूछते हैं बिल्कुल। तो मेरा जो क्रय उसी से इनको जो सब्सिडीज मिलती है उसका क्या, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने इस तरीके से एक जिसे कि रैंसम करना, हाईजेक करना, बंधक बनाना, क्योंकि सरकार इस देश में पहली बार आई है जो राष्ट्र की चिंता कर रही है। तो ये जो गुस्सा है, जो झगड़ा है, जो इंटरनल हमारे देश में जो थर्ड फ्रंट है, जो इस जिसको इस देश के समाज को लड़ना है, आप वो थर्ड फ्रंट जैसे जैसे भारत के अंदर कमजोर पड़ रहा है, अब उन्हें बाहर की जरूरत पड़ रही है। मेरा सवाल ये है, इसको एक तरीके से नैरेटिव दिया गया, जो आपने भी बात कही कि क्या पूरे देश में 29 राज्यों में से 30 राज्यों में से सिर्फ किसान पंजाब में ही है, एब्सोल्युटली बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये कौन लोग, आपने साफ किया अपनी बात में कि ये तो सारे के सारे एक ब्रोकर है, एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें जो मैंने पता किया वो कुल मिलाकर के 60-70 हजार करोड़ का खेल है सर, और ये सब बिचौलियों का है, तो बिचौलिया बिचौलियों को बचा रहे हैं। तो ये जो सिख एलिमेंट है, सिख सरदारों का जो एलिमेंट है और उसमें जिहादी शामिल हो गए हैं और नारे लग रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर और खालिस्तान बनेगा, तो ये तमाम सारी फोर्सें किसको आगे करके, उन लोगों को जिन्होंने सीसगंज पे जिनका गला काटा, जिन्होंने जोरावर सिंह का और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया, दीवार में चिनवाने वाले और दीवार में चिनने वाले दोनों आज एक साथ खड़े हैं। इस पूरी आप क्या कहेंगे, ये सिखों का कौन सा एलिमेंट है, कौन सा सेक्ट है? मैं तो इसमें रामगढ़िया नहीं नजर आ रहे, रायगढ़ नहीं नजर आ रहे, बहुत सारे नामधारी नजर नहीं आ रहे, तो ये कौन से हैं, ये कौन से सिख हैं जो यकायक इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया है?
मैं क्या है पुष्पेंद्र जी, पहली बात तो है ना, ये लोगों को, मेरे जो दर्शक हैं, जो आपके दर्शक हैं, मैं बताना चाहता हूं कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन्होंने थम्स अप दिया है इस बिल को, हमारे बिल को थम्स अप दिया है। तो मतलब वो कोई बेवकूफ है? उन्होंने कहा कि भैया हमने बिल पढ़ा है, ये बिल बिल्कुल ठीक है, किसानों के ये हित में है। अब मैं आता हूं सर, ये क्या है जो आपने जो सिखों की जो बात की, यूसी ये क्या है अपना पुष्पेंद्र जी, पता है ये डिवाइड कहां पड़ा सर, इसका जेनेसिस कहां है? ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी सर इसकी। उनका क्या था, जब उनको हिंदुस्तान पर राज करना था, और आपको पता अंग्रेजों की पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, कि भैया इनको, ये हिंदुस्तानियों को तोड़ा जाए, और देखा कि भैया सिख कौम जो है ये बहुत स्ट्रांग है, ये तो हिंदुओं की शाख है, और ये अब इनको कैसे अलग किया जाए। तो ये काम उन्होंने कहा कि सिखों की हिस्ट्री को रीराइट किया जाए। तो सबसे पहले जो थे सब, कनिंगम को उन्होंने ये भार सौंपा कि आप जो है ये काम करें। उन्होंने कुछ दिन काम किया, वो शायद सफल नहीं हुए, फिर उन ट्रंप को बैठाया कि आप सिख हिस्ट्री को रीराइट करें, ट्रंप। उसके बाद इन्होंने, जब वो भी नहीं पूरा कर पाया, तो मैकॉलिफ को इन्होंने ये भार सौंपा कि आप सिख हिस्ट्री को रीराइट करिए और सिखों को हिंदुओं से आप अलग करिए, जिसमें उसने एक कान सिंह नाभा करके बंदा था, जिसने उसको बोल बोल के लेके करते करते उन्होंने सिख हिस्ट्री को दोबारा लिखा। ये मैकॉलिफ का काम था सर। और फिर उन्होंने, उस कान सिंह नाभा ने एक किताब लिखी कि हम हिंदू नहीं, किताब लिखी साहब उन्होंने। वहां से जो है ये फूट, ये दरार जो पड़ी है, इट्स बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर, लेकिन ये वहां से शुरू हुआ। द रियल कल्प्रिट्स आर दीज ब्रिटिशर्स। बट आप देखिए वो फिर क्या होता है कि अच्छा, और जो हमारे जो सिख भाई जो हैं, इनको पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या है सब, कि आप देखिए पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होगा। अब मैं क्या, थोड़ा जेनेसिस क्या है, मैं थोड़ा सा, बिकॉज लोगों को इस बारे में पता नहीं है, मैं क्या लोगों को ये जो नॉन सिख्स हैं, जो थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं कि क्या था। प्लीज प्लीज साहब, आपको पता है ये जो गुरबाणी, जो इनकी भाषा है, जो गुरबाण, जो गुरमुखी जो लिपि है, जो पंजाबी लिपि, इसका ईजाद कैसे हुआ? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। तो जो हमारे जो सेकंड जो गुरु, अपना जो सिखों के हमारे जो गुरु थे, अपना गुरु अंगद देव जी थे, अंगद देव, उन्होंने इस पंजाबी लिपि को, क्या था कि उस वक्त जो तुर्क बहुत सारे आ गए थे, तो वहां पे अटैक होता था, बाबर के बाद जो आए थे, तो वो जो उनका जो वो लोग जो इन्वेजन्स करते थे, तो क्या हमारे वहां पे पंजाब साइड में, उस वेस्टर्न फ्रंट पे, ये फारसी भाषा बोली जाने लगी? तो उनको डर हुआ कि भैया ये तो इस तरह, तो हमारी जो लिपि है, जो हम जबान बोलते हैं पंजाबी, ये तो खत्म हो जाएगी, अब इसको क्यों ना लिखा जाए और पढ़ा जाए। तब तक पंजाबी जबान नहीं थी साहब। तो हमारे जो सेकंड गुरु महाराज जी थे, गुरु अंगद देव जी, उन्होंने सर कश्मीर से भट्ट बुलाए, भट्ट का मतलब ब्राह्मण, उनको बुलाया कि भैया हमारी जो ये लिपि है, जो बोली है, इसको प्लीज आप लिखने में और पढ़ने में इसको, इसका ईजाद करिए। उन्होंने और भट्टों ने, वे जो ब्राह्मण जो कश्मीर से आए थे, शारदा लिपि जो कश्मीर में बोली जाती थी, उस शारदा लिपि से इन्होंने पंजाबी लिपि गुरमुखी का ईजाद किया। तो आप कहां से, आप जो ब्राह्मणों का योगदान, मतलब हिंदुओं का योगदान तो है, आप कहां से इनको अलग करेंगे? अब हम आते हैं जो फिफ्थ गुरु थे हमारे, अर्जुन देव जी जो फिफ्थ गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि साहब ये जो हमारे जो गुरुओं ने जो बात की है, उनकी वाणी को क्यों ना कंपाइल किया जाए और हम इसको गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसे डालें। द फिफ्थ गुरु सर, अर्जुन देव जी, उन्होंने सारी गुरुओं की वाणी को कंपाइल किया, जो पांच गुरु थे। आपको पता है उसमें उन्होंने न केवल वो पांच गुरु, बल्कि 15 संतों की वाणी, वे संत जो निराकार भक्ति में विश्वास रखते थे, क्योंकि निराकार भक्ति कोई बहुत बहुत पुरानी है। सी क्या है कि हमारा क्या साहब के हिंदुइज्म है, इट्स अ वेरी, इट्स अ रिलीजन ऑफ सिंबल्स। एक साधारण व्यक्ति को समझाने के लिए हमने हनुमान जी बना दिए,
दुर्गा माता बना दी, बट दे आर सिंबल्स ऑफ शक्ति। बट जो निराकार ईश्वर तो एक है, ईश्वर जो हमारा जो है वो एक है, तो उन्होंने न केवल पांच गुरुओं की बल्कि 15 अलग अलग संतों की वाणियों को भी, जो निराकार भक्ति में विश्वास रखते थे उनकी वाणियों को भी उसमें उन्होंने डाला है। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें तो उसमें, और उसमें से तीन जो संत थे वो तो महाराष्ट्र के थे, बाबा फरीद की वाणी है, कबीर जी की वाणी है, फिर उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं उनका बहुत बड़ा जी भक्त हूं, मतलब ही वॉज द विजनरी मैन। और जो अखंड भारत की जो कल्पना उन्होंने भी की थी सर, उन्होंने फिर सारे जो 9 गुरु हैं उनकी वाणियों को इकट्ठा करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में उसका समावेश किया। आपको पता उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा, वो इतने महान थे कि भाई कि मैं अपने 9 गुरुओं के सामने मैं इतना महान नहीं हूं, तो इन्हीं की वाणी को मैं रहने दूंगा और यही गुरु ग्रंथ साहब का जो है ये आखिरी है सब कुछ। उन्होंने अपना नया ग्रंथ लिखा जो दशम ग्रंथ जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा, पटना में वही है सर, बाकी जगह पे नहीं है, पटना में। और उसमें उन्होंने, आपको मानोगे नहीं, उसमें साहब उन्होंने, मेरे पास एक है मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने उग्र ग्रंथ सवैये कहते हैं जो पटना में जो है, पटना के जो दशम ग्रंथ वहां जो पड़ा हुआ है, उसमें वे कहते हैं कि सगल सकल जगत मोही खालसा पंथ गाजे, सकल जगत मोही खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तर्क भंड भाजे, तुर्क भंड भाजे, कि भाई जो है कि हर तरफ जो है खालसा पंथ का जयकारा हो और जगे धर्म हिंदू और तुर्क भंड भाजे, और ये जो इनका, इन यवनों का, इन तुर्कों का, इन मुगलों का नाश हो। अब माने कि दुर्भाग्य सर ये है कि उसको केवल ये उग्र ग्रंथ सवैये जो है केवल पटना के दशम ग्रंथ में है, नांदेड़ में, हुजूर साहब में भी नहीं है। तो ये तो खैर मतलब मानते नहीं है साहब। मैं, मेरा ये कहना है कि हर हर सिख, हर पहले सिख के माता पिता हिंदू थे, आप इससे नकार नहीं सकते। हर पहले सिख के जो माता पिता थे वे हिंदू थे, और आप जो भी गाली देते हैं कि हिंदुओं की माताओं को, तो यानी कि आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। अब देखिए हम जो है, जैसे गुरु तेग बहादुर हुए, अब गुरु तेग बहादुर जो थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज जी के जो पिताजी थे, जब उनके पास में कुछ ब्राह्मण पहुंचे कि जी आप हमारी हमारी जान बचाइए, बिकॉज इन मुगलों ने हम पर ये टैक्स लगा दिए हैं, तो वे कहा कि साहब इसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वे जो हैं वे पहुंचे दिल्ली। हम जी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को तो शत शत नमन करते हैं, और वो हमारे लिए जो है वो हिंद की चादर मानते हैं उनको, लेकिन उनके साथ में भाई दयाराम, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी भी गए थे। भाई मतीदास सतीदास ब्राह्मण थे और भाई दयाला जी थे वो हिंदू थे। और तेग बहादुर जी की शहादत से पहले, उनका जब गला काटा गया, उनसे पहले ये तीनों को शहीद किया गया। भाई मतीदास को तो आरे से बीच में काटा गया 2 हिस्सों में, भाई दयाला जी को साहब उबलते पानी में डालकर जला दिया गया, एक को पानी में डालकर जला दिया गया, एक को रुई से लपेट कर उस पर उनको आग लगा दी गई। तो उनकी शहादत, तो आप उनकी माताएं कौन थी, वे तो हिंदू थे। अब कई उदाहरण है साहब, आप बंदा बहादुर को देख ले, जिन्होंने 16 जंग गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए लड़ी हैं, जो जीती हैं, जिन्होंने पुत्रों का उन्होंने, उनका जो लड़कर उन्होंने जो जो कहते हैं उनका बदला लिया, वो कौन थे? बंदा बैरागी, वो स्वामी लक्ष्मण दास, वो एक संत सन्यासी थे साहब। फिर उनकी माताओं, उनकी जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता और जो 2 पुत्र के जो उनके मर गए, उनके उनके देहांत के बाद उनके अंतिम संस्कार करने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए जगह मुगलों ने नहीं दी, तो दीवान टोडरमल ने सोनों के सिक्के देकर उस जमीन को, पूरे उस जमीन को, जितनी जमीन चाहिए थी सोनों के सिक्कों से भरकर उस जमीन को खरीदा। क्यों? क्योंकि वे गुरु गोविंद सिंह जो अपना भगवान मानते थे। तो जहां तक कहते ना दलेरी की या शहादत की जो बात है, या जो जज्बे की, क्या हिंदुओं में कम है?
आप जी के नहीं, ये तो कमजोर है। कहां से? आपको बताऊं, गुरु हरगोविंद सिंह जी जब उन पर जहांगीर ने अटैक किया था अमृतसर में, तो वो उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा था, और उस हफड़ा तफड़ी में जब वो निकले थे तो उनकी बेटी बीबी वीरो वो रह गई थी, छोटी बच्ची। तो उनके जो कुल पुरोहित थे, अपना सिंघा सिंह पुरोहित, वो उनके कुल पुरोहित थे, वो उनके वॉरियर थे, उनको भार सौंपा गया कि भाई जाओ मेरी बेटी को वो आपको जानती है, उसको वहां से लाओ। वो अपनी जान पर खेल कर गए और गुरु महाराज जी की बेटी को बचा कर लाए, और फिर युद्ध में वे शहीद हुए। साहब इनका जो जनरल था, जो खालसा फौज के जो जनरल थे, वो थे सर परागा दत्त जी। पहले ब्राह्मण थे दत्त, मुहयाल ब्राह्मण थे, और वो किस उम्र, 100 साल की उम्र तक लड़े। उन्हें कहा, उन्हें तो भीष्म पितामह की पदवी दी गई थी। तो कहने का मतलब है, या गुरु गुरु महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सर जो पंज प्यारे थे, कौन थे? एक लाहौर से आया सर, एक मेरठ से आया जो क्षत्रिय था, एक गुजरात से आया द्वारका से, एक जो था वो अपना कहते हैं उड़ीसा से आया, पुरी से आया, एक कर्नाटका से आया। तो कहने का मतलब है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे, ही वो से विजनरी कि मुझे पूरे हिंदुस्तान को एक करना है, और हमें इन मुगलों के जो आतंक है, इस जो अपना उनके एट्रोसिटीज है, उसके खिलाफ लड़ना है। उनका सर हर हिंदू का पहला बेटा सिख बनाया जाता था कि भैया इसको खालसे, इसको बनाओ ताकि ये हमारी रक्षा करेगा। तो जो फौज किसके लिए तैयार हुई, तो वे जो पहले सिख जितने थे उनकी माताएं कौन थी? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इनको बताना, कि लोगों को पता चले। लोगों को सर बहुत कम हिस्ट्री के बारे में पता है। तो फिर जब बड़ा दिल दुखता है, जब कहते हैं ये हिंदू जो है बुजदिल है, कमजोर है, कहां से शहादत की और जो देश पर मर मिटने का जो जज्बा है, कोई हिंदुओं में कम है? बिल्कुल नहीं कम है। तो ये क्या नैरेटिव सिलेक्टिवली, ये जो आतंक, ये जो खालिस्तान की बात करते हैं, वो जो सिखों को जो हिंदू से तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है कि भैया हम अपनी चीजें हाईलाइट करो, बाकी इनका जो बलिदान है, इनका योगदान है, उसको दबा दो। आपको सर बताऊं, मैं देख रहा हूं मेरठ के कुछ हमारे मित्र हैं जो सिख हैं, बंबई में, उदयपुर में, मद्रास में, कलकत्ता में, वे बेचारे खौफजदा हैं सर कि यार ये क्या हो रहा है, ये जिस तरह इन्होंने किया, ये तो बहुत ही, they're so scared कि हमारा क्या होगा। तो मैंने तो साहब उनको ये आश्वासन दिया कि भैया देखिए, आप हमारे भाई हैं और आप एक सरदार जी, मैंने आज तक कभी जी सरदार को सरदार नहीं कहा, हमने तो हमेशा इन्हें सरदार जी कहा है, ये क्योंकि आदर के पात्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो मैंने कहा, देखिए साहब, आज हमारा फर्ज बनता है कि अब हम जो है बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप महफूज रहेंगे और आपकी हिफाजत के लिए हम सबसे आगे आएंगे। ये जो मैं बताऊं पुष्पेंद्र, ये जो डिवाइड डालने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये होगा नहीं, क्योंकि भारत, भारत का जो सच्चा सिख है वो जानता है कि हम हिंदू सिख एक हैं, और आज इसकी बहुत आवश्यकता है। महाराज आप ये कह रहे हैं पुनीत भाई कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए सिख आतंकवाद की पूरी रचना की और भिंडरवाले को पैदा किया, मुझे याद है कि उस वक्त ये जब हम सुनते थे, लेकिन वो आज जब उसको मैं सोचता हूं तो जितनी हिस्ट्री आपने बताई है, आपने बड़े डिटेल में बड़ी सारी चीजें तथ्यों के साथ, नाम के साथ, समय के साथ बताई है। ये जो जब ये हुआ कि साहब सेना वहां चली गई है और हरमिंदर साहब को जो है, हरमिंदर साहब को जो है वो नुकसान पहुंचा है, वो कहने में उस वक्त तो हम लोग नहीं समझे, लेकिन ये हरि के नाम से तो मंदिर है, हरिमंदिर साहब क्या हुआ, हरि का मंदिर? तो भाई गोल्डन टेंपल में हरि का मंदिर क्या कर रहा है? तो ये आप जी 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 आप इतिहास को अपने वर्तमान फायदे के लिए तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन इतिहास की इबारत को मिटा नहीं सकते। और इसलिए मुझे लगता है जो लोग भी हैं, इन्हें आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे कि 84 में कोशिश हुई, और जो जिस तरफ अभी आपने इशारा किया है, मैं समझता हूं कि मैं दिन भर इतनी डिबेट्स देखता हूं, जिस तरफ आपने इशारा किया है वो बड़ा संगीन इशारा है, और वो बड़ा मतलब मैं समझता हूं कि आपने उस इशारे को करके इस देश को और सरकार को भी एक मैसेज दिया है कि जिन लोगों की ये कोशिश है कि सिखों को आगे करके दोबारा से इस देश के अंदर एक मुहिम क्रिएट की जाए, और इस गफलत में, इस झूठ में, इस इस इस
नरेटिव में यहां कुछ होगा तो पूरे देश में रिएक्शन होगा, तो ये फिर दोबारा से सिखों को 1984 जैसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी ये करना चाहती है, ये एब्सोल्युटली मैं आपको बात बता रहा हूं। भारत सरकार को मैं आपकी तरफ से और उसमें मिला देता हूं कि भारत की सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सिख जो सरदार लोग कनाडा में बैठ करके $2.5-2.5 करोड़ के डॉलर का इनाम घोषित कर रहे हैं, जो दिल्ली को तोड़ने और कह रहे हैं इंदिरा को ठोंक दिया मोदी को ठोंक देंगे, मुझे लगता है कि ये चंद लोग जो है पगड़ी बांध के आए हैं ये सिख भी नहीं है, इनका सिखों से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने पगड़ी बांध करके न सिख सिखों की जो हमारे प्रति आस्था और उनके प्रति जो हमारी एक सम्मान है उसे तोड़ करके देश में ये आग लगाने की कोशिश है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक ही अपने गुंडों से बदमाशों से जिस तरह से 1984 में कांग्रेस पार्टी ने नरसंहार कराया इनका, अगर कहीं एक घटना होगी तो जब तक संभलेगा तब तक हालात हाथ से निकल जाएंगे। लिहाजा भारत सरकार को, पुनीत जी आपने एक रास्ता दिखाया है और भारत सरकार को सावधान किया है, अलर्ट किया है कि पूरे देश में इस किस्म की, जब आप मुझे बताइए ये रिहाना नाम की क्या चीज है, ये आयशा रिहाना नजमा ये तमाम कौन है जो ट्वीट कर रही है, इनको क्या लेना देना है हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, और इनको सिर्फ इसी में ध्यान नजर आता है, इनको अमेरिका में नजर नहीं आता जब वहां पे ब्लैकों के ऊपर मारा जाता है तब इनको ध्यान नहीं आता। लिहाजा ये अंतर्राष्ट्रीय लोग भारत की अंदरूनी साजिशकर्ता लोगों के साथ मिले हुए हैं। मैं अगला सवाल आपसे जो जानना चाहता हूं वो मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन के पीछे की साजिश आप समझ रहे हैं, हर हिंदुस्तानी समझ रहा है और तमाम हमारे मीडिया में जो दोस्त लोग हैं वो भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सरकार की एक भूमिका थी और सरकार ने उस भूमिका को एक सरकार के नाते 3 महीने तक उस पूरे आंदोलन को होने दिया, उस पर किसी किस्म का कोई बल प्रयोग नहीं किया, तिरंगे का भी अपमान किया, लाल किले भी, उसके बावजूद भी सरकार कह रही है बात। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपसे लोग सुनना चाहते हैं और क्योंकि आपकी एक बड़ी फॉलोइंग है, पुनीत भाई सरकार को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें क्योंकि सरकार टेक्निकल ग्राउंड पे बात करती है, भारत के हिंदू सनातनी समाज का क्या दायित्व तो है वो आप बताएं, उसे क्या करना है, क्योंकि सरकार अपना काम करेगी लेकिन अगर सनातनी हिंदू मैं समझता हूं इस बात को समझ रहा है और जितने खतरे आपने गिनाए हैं जो सरकार को चेतावनी और सरकार को आगाह किया है और सलाह दी है, इसके लिए भारत के सनातनी हिंदू को क्या करना चाहिए ये और आप बताएं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं पुष्पेंद्र जी, ये जो हमारे जो सनातनी जो हिंदू हैं मैं इनको आगाह करना चाहता हूं, पहले तो आप हिस्ट्री को पढ़ें, अपने सनातन शौर्य और स्वाभिमान और सम्मान पर आपको गर्व होना चाहिए, आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुओं ने कितना योगदान दिया है, कितनी बलि दी है, कितने बलिदान दिए हैं, क्या क्या त्याग किया उन्होंने, तो एक तो अपने पर आपको गर्व होना चाहिए। और कोई अगर बात करे कि भाई आपने कुछ नहीं किया, हमने हमेशा आपको बचाया, नो, आपको कहना चाहिए, आपको उन्हें जो पंच प्यारे हैं उनके नाम गिनाने चाहिए, आपको कहते हैं सिंघा सिंह पुरोहित के जो बलिदान है वो लोगों को गिनाना चाहिए, बंदा बहादुर का त्याग गिनाना चाहिए कि भैया हमारे भी लोगों ने बलिदान दिया है और हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, और ये अब पहले हम आपको बड़ा भाई मानते थे और अब हमारा दायित्व बनता है, ये केवल 3 करोड़ पूरी दुनिया में है सर, हिंदुस्तान में ये सवा दो या ढाई करोड़ होंगे और 1 करोड़ शायद पूरे बाहरी मुल्क में होंगे, वो तो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं सर हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द सिख्स are dead against this खालिस्तान, देखो वो बेचारे कहां जाएंगे जिन्होंने बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में खोल कर रखे हैं, उनका क्या होगा, ये जो इरिस्पॉन्सिबल जो बातें कर रहे हैं और जो फॉरेन के जो ये जो खालिस्तान को जो आग दे रहे हैं और उसकी बात को लेके जो कुछ चंद जो इडियट्स जो गधे जो बात कर रहे हैं, तो वो उनसे क्या होगा, आप अपने भाइयों का सोचिए, आप वो सोचिए पाकिस्तान आपका क्या हश्र करेगा, आज हम पे पाकिस्तान हंस रहा है के ये हमारे हमारे जो हैं ये हमारे षड्यंत्र में ये बनते जा रहे हैं। सर हमारा दायित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर सनातन धर्मी का, हर हिंदू का, इस समय मैं कह रहा हूं सर
ये जो 26 जनवरी को बहुत ही डेंजरस प्लॉय था, ये जो उन्होंने किया कि हम जानबूझकर करेंगे, हम पर गोलियां चलेगी, एक किस्म से सिविल वॉर कर देंगे, फिर हम वहां से बंदूकें करेंगे वो पूरे, और जो होगा हम मार देंगे किसी को, वो तो क्या पूरे हिंदुस्तान में जो सिखों पे, ये जो देश के दुश्मन का ये प्लॉय है सर, तो उसमें मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुओं को बताएं कि अब हमें एक बड़े भाई की भूमिका निभानी है, ये पूरे हमारे देश में जो सिख भाई जो हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिख्स आर नॉट विद दीज टेररिस्ट्स, दे आर नॉट विद देम, उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, हमारे भाई हैं वो, हमें उन्हें आश्वासन देना है कि बिल्कुल नहीं, हमने आपकी कुर्बानियों को तो सब नतमस्तक है सर, जब भी देखिए टैक्स पेइंग सिटीजन कहो, टैक्स में कहो, आप जो भी काम कहो, देशभक्ति कहो, आप वॉर कहो, डिफेंस में जाने के लिए, इनका जज्बा ही कमाल है, ये करते हैं। तो ये जो बड़ी दिलेर कौम है, ये जो कुछ लोग जो राह रात से जो भटके हुए हैं, उनकी बात बिल्कुल ना वे माने और ना हिंदूज माने, और हमें इनको अपना भाई समझना है और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना है। और ये जो विदेशी और जो जो ताकतें हैं आईएसआई, मैं कह रहा हूं ये जो वामपंथी हमारे देश के सबसे बड़े कल्प्रिट से, ये थर्ड फ्रंट जो चाहता है, ये हमें इसको इसके इस मंसूबे को जो है हमें वो पूरा नहीं करना, वी हैव टू बी वन एंड वी हैव टू फाइट दिस टूगेदर सर। ये बात आपने कहकर के एक भरोसा जगाया लोगों में, और जो बात आपने कहा कि जो देश भर में लोग रह रहे हैं उनके अंदर एक असुरक्षा का माहौल होगा कि कैसे ये है, क्योंकि इस देश के राजनीतिक दल अपनी सत्ता के स्वार्थ में विदेशों के साथ मिलकर ये राष्ट्र टूट जाए, ये देश टूट जाए, ये समाज बढ़ जाए, तो कुछ लोगों ने तो सत्ता डिवाइड एंड रूल के बाद पाई थी, तो उन्होंने उस डिवाइड एंड रूल को ही आगे रख दिया। तो मैं मानता हूं कि इस वक्त एक जिम्मेदारी का मतलब सबको एक तरीके से कदम उठाना चाहिए, और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही सब कुछ करेगी। मैं समझता हूं कि सरकार के में जो जिम्मेदार औहदों पे लोग बैठे हैं वो जरूर इसकी तरफ देखेंगे, लेकिन समाज को सजग होने की जरूरत है, क्योंकि हम 1947 देख चुके हैं, हम 1984 देख चुके हैं, हम 1990 देख चुके हैं, तो समाज की बहुत बड़ी है। लेकिन मेरा आप सवाल है, क्योंकि आप खुद एक उस दुनिया से आते हैं जिसे आर्टिस्टों की और कलाकारों की दुनिया कहते हैं, आपके दौर में कभी इस किस्म की समस्याएं नहीं थी, और आपके जमाने में जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसके अंदर एक अलग किस्म का जज्बा था, गंगा जमुना फिल्म बनती थी और पूरा पश्चिम फिल्म बनती थी और भारत फिल्म बनती थी, आज वो धीरे धीरे फिल्में भी समाप्त हो गई हैं और फिल्मों के अंदर भी नैरेटिव जो है वो भारत के खिलाफ, भारत को गाली देना, लेकिन क्योंकि आप इस एक फिल्म बनी है जिसका मैं विरोध करना चाहता हूं, व्हाइट टाइगर, उसमें प्रियंका चोपड़ा, हॉलीवुड की फिल्म है व्हाइट, उसमें सीधा हिंदुओं को गालियां दी गई हैं पेट भर के गंद, तो क्या इसका भी हमें बहिष्कार करना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूं वो तो मैं माना, मैंने कहा वो तो चलिए बाहर जाके बनाई है उन्होंने, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे भारत के अंदर ही लक्ष्मी बम बन रही है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज ये शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये नसुद्दीन शाह, ये आमिर खान, ये शाहरुख खान, ये जो हर बात पे बोलते हैं, क्या इनकी अब फॉलोइंग खत्म हो चुकी है, जो जिहादियों को रिहाना और ग्रेटा का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं सर, मैं कहूं इनसे, देखिए क्या है, व्हाट आई थिंक ना सर, ये क्या कि अब जो लोग जो हैं ये बिल्कुल सचेत हो गए हैं। आप देखिए, मैं मेरा सिर्फ एक, जैसे तांडव में जो भी किया इन्होंने, आप एक सरकार के खिलाफ एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, आपकी नहीं बनती, समझ में आता है, बट आप एक हिंदू धर्म की क्यों आप भर्त्सना कर रहे हैं? मेरा जो सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं, जो सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो रक्षक हैं, उनसे क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर किसी ने आपके आपके मजहब का, हमने अगर किसी का तिरस्कार किया, क्या वो जायज होगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कृपया आप हमारा भी ना करें, और अब हम ये जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लोग समझते हैं इस बात को, और ये जो देखिए इसमें बात है, अब देखिए लोगों ने बोलना शुरू किया है, आज अक्षय कुमार ने बोलना शुरू किया है, अजय देवगन बोल रहा है, लोग बोलेंगे साहब, तो क्या है कि वी हैव टू बी वेरी फर्म कि भाई हम
जो हमारा जो धर्म है वो कि मंदिर का घंटा नहीं है कि कोई भी आएगा और बजा के चला जाएगा, ये तो अब नहीं कतई नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज और साफ होती है कि इस बिल के बहाने, या तो कभी आप सीए के बहाने खड़े हो जाते हैं, फिर 370 के बहाने खड़े हो जाते हैं, और अब आप जब आपको 370 में कामयाबी नहीं मिली कि संसद ने उसको बहुमत से पास किया, लागू हो गया, फिर सीए जो है बहुमत से पास हो गया, फिर वो लागू हो गया। तो मेरा मानना है, क्या मैं ये सही मान रहा हूं या क्या मेरी सोच सही है, इसको आप तस्दीक करेंगे इस बात की, क्या भारत के अंदर पिछले 70 सालों में एक इनविजिबल सत्ता जो थी वो लगातार काम कर रही थी, सत्ता के ऊपर कोई बैठे लेकिन एक पैरेलल सत्ता चल रही थी। 2014 के बाद उस इनविजिबल सत्ता को जिस तरीके से डिमोलिश 370 पर्दाफाश हो रहा है, तो ये जो आप कह रहे हैं, ये जो पूरी घटनाएं घट रही हैं, इसमें कुछ लोग, आज भी मैं देख रहा था कुछ लोग बहस कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि साहब ये अंतरा, मैं कह रहा हूं याद कीजिए वो दौर जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने वाले थे, तो भारत के 50 पार्लियामेंटेरियन में जिसमें 99% मुसलमान जो भी थे, एक्स थे, प्रेजेंट थे, वामपंथी थे, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी अमेरिका के राष्ट्रपति को कि आप मोदी को वीजा मत दीजिए। आप उस वक्त से सोचिए इस बात को। फिर उसके बाद में मैंने ये देखा कि यहां से मणिशंकर गए पाकिस्तान कि भाई आप मोदी को हटाने में हमारी मदद करें, फिर शशि थरूर ने अपना एक भाषण दिया पाकिस्तान में जाकर के कि भारत में मुसलमानों के साथ वो हो रहा है। तो आप देखें कि जब दिल्ली के लोकल चुनाव हो रहे थे तो चर्चों पर लगातार जो हमले की झूठी खबरें छापी गई, तो फिर एक इंटॉलरेंस का जुमला गढ़ा गया, फिर लिंचिंग का किया गया। तो ये लगातार नरेटिव इस सरकार ने और इस सरकार के साथ समर्थकों ने और लार्जली समाज ने उनको डिमोलिश करा। तो अब इनके पास हर वो मुद्दा होता है जिससे ये देश के बाहर की ताकतों को शामिल करके क्या लड़ाई फार्मर बिल की है या इसकी आड़ में भारत राष्ट्र को मजबूत करने वाली ताकतों को कमजोर करने की है, भारत राष्ट्र को कमजोर करने की है, निशाना भारत को तोड़ने की लड़ाई है। ये तो बहाना है, ये हमारे जो अखंड भारत को, हमारे भारत राष्ट्र को, ये नेशन को कमजोर करने की, ये थर्ड फ्रंट की लड़ाई है सर। जो ये दुश्मन हमारे देश के अंदर है, मैं लोगों को, अपने भाइयों को सचेत करना चाहता हूं, ये हमारे देश के अंदर रहकर हमारे देश को वीक करना चाहते हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए। लेकिन इसके बारे में पुनीत भाई, भारत के एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ हैं जनरल रावत साहब, उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही थी। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो ढाई युद्ध में ग्रस्त है, एक उन्होंने कहा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे और एक कहा हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे। उन्होंने कहा ये जो आधा जो थर्ड फ्रंट है ये भारत के अंदर है, और तो वही मैंने भी कहा कि भाई ये जो फ्रंट है ये इसमें राफेल काम नहीं आएगा, इसमें राफेल काम नहीं आएगा, इसमें हर भारतीय को जो ये बीड़ा उठाना होगा। Yes, that's what I'm saying, कि थर्ड फ्रंट की लड़ाई सेना नहीं लड़ेगी, थर्ड फ्रंट की लड़ाई समाज को लड़नी है। इस पे मैं चाहता हूं कि थोड़ा और एलैबोरेट करें और ये बताएं कि इस देश में, इस थर्ड फ्रंट में, चाहे वो माओवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो जिहाद हो, चाहे कम्युनलिज्म हो, इन ताकतों से लड़ने के लिए समाज को किस तरह से मजबूत होना होगा, इस पे पुनीत भाई थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं लगातार जिस तरह से मुकेश उपाध्याय जी, पीयूष कुमार सिंह, प्रिंस सिंह की, तमाम सारे लोग जो हैं सब यंग लोग हैं, ये सब पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि हमें क्या करना है, इस थर्ड फ्रंट से हम कैसे लड़ सकते हैं। सर देखिए, सबसे पहली बात है जो हमारी जनता, ये जो लोग हैं सर, ये वामपंथी, ये जो लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो ये नहीं, ये बहुत ही, पता है, बहुत ही ये समझते हैं जनता बेवकूफ है, ये बेचारे गरीब जो लोग हैं, जो आवाम है, ये तो गधे हैं, हम इनको मनूवर कर लेंगे, बट दे आर मिस्टेकन सर। ये जो हमारी देश की जो जनता है ना, बहुत ही चालाक है, उनके हाथ में सबसे बड़ा पावर है वोट। आप देखिए पूरा नैरेटिव चेंज है, बिहार के इलेक्शन से पहले अरे बीजेपी विल बी राउटेड, सारे एग्जिट पोल ने कह दिया, बट जो असली चीज है वो ये भूल रहे हैं किस तरह बीजेपी जीती साहब। तो मैं लोगों को, भारत की जनता को, कि आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है वोट। जब जब आपको लगे कोई हमारे देश को तोड़ने की बात करता है, उस सरकार को, उन लोगों को कतई वोट मत करो,
और आप फिर जो है हमारी जो हमारे देश के हित में सोचता है आप उनको पूर्ण बहुमत से जिताओ। जो हुआ है, जो दूसरी बार हुआ है, आप स्टेट इलेक्शंस में देखिए, इसका एक ही जवाब है साहब। और फिर दूसरा जो है लोगों को इस पर अपना वोकल होना पड़ेगा, आपको अपनी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त करनी होगी। खड़े होइए, टेक अ स्टैंड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, यू विल हैव टू डू इट। आपको करना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है, क्यों, ये मेरा देश है यार, और मैं अपने देश को, अपने देश का विभाजन नहीं होने दूंगा। सब नवाखाली में किस तरह मारा गया था बंगाली हिंदुओं को, लोग भूल गए? ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जो पहले हमारा ईस्ट बंगाल था, नवाखाली से शुरुआत हुई थी साहब, किस तरह वहां पे वो किया, फिर आपको पाकिस्तान में ये जो ये भुगता किसने है? सिखों ने सबसे ज्यादा भुगता है साहब, जब पार्टीशन हुआ है मेरे पिताजी ने भुगता, मेरे घर वालों ने, मेरे चाचाओं ने, सबने भुगता है। एक उस पे छोड़कर ये आ गए थे कि हमें भाई इस्लामिक राष्ट्र में नहीं रहना, हम सब कुछ त्याग कर ये हिंदुस्तान वापस आ गए थे। अब जो है ये नहीं होगा फिर से, हम अपने देश का विभाजन नहीं होने देंगे। तो ये जो चीजें हैं, और मैं अपने जो एक, एक जो आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या कुछ लोग कहते हैं ये अपना सिखिज्म, मैं हंसता हूं कि उनको आपको मैं बताना चाहता हूं कि गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान राम का नाम 2533 टाइम्स लिया गया है, हरि का नाम 8344 टाइम्स लिया गया है, गोविंद का नाम 475 टाइम्स लिया गया है, मुरारी का 97 टाइम्स लिया गया है। तो आपके गुरु ग्रंथ साहिब में तो आप तो है, अब कहते नहीं जी वो तो राम की बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं राम कह रहे, हम जानते हैं जो कण कण में रमा हुआ है, जो कण कण में रमा हुआ है वह राम है। हम भी उसी ईश्वर की बात कर रहे हैं जो आपने लिखा है, और हम आपकी पूरी इज्जत करते हैं। हम जो कि धर्म है नतमस्तक है, एक प्रोग्रेसिव एक रिलीजन शुरू हुआ, जो हिंदुइज्म में जो जो हमारे जो बुराइयां थी उनको दूर किया गया, जो हमारा जो जात पात का जो सिस्टम था उसका खंडन किया गया। आपको पता साहब एक मैं बताना चाहता हूं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये सिंह शब्द कहां से आया? प्लीज प्लीज, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब खालसा पंथ शुरू किया तो उन्होंने ये सिंह शब्द ना सर पहले केवल राजपूत लगाया करते थे कि जो दलेर है, जो बहादुर है, जो रक्षक है। इन्होंने उस सिंह के आज से हर खालसा मेरा सिंह होगा, फिर चाहे वो किसी भी जात का हो, तो ही वो सच ए विजनरी के जात बात नहीं होगा। कौर शब्द उन्होंने हर लड़की के साथ लगाया, कौर कुंवर से लिया गया राजस्थान से, कि भैया हमारी जो कोई भी हर जो लड़की है वो कौर होगी और कोई कौर कोई सती नहीं होगी। तो कितनी खूबसूरत बात है। तो ये अब हमारा दायित्व तो बनता है, हम सनातन धर्मियों का दायित्व तो बनता है कि अपने जो हमारी धरोहर है, जो हमारा हेरिटेज है, उस पर हमें गर्व हो। आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, अपने आप को सशक्त बनाएं, ताकतवर बनाएं। एवरी हिंदू मस्ट बिकम स्ट्रांग, एवरी सनातन धर्मी मस्ट बिकम स्ट्रांग। न केवल शारीरिकली स्ट्रांग होना, मानसिक रूप से स्ट्रांग होना, आत्मिक रूप से स्ट्रांग होना। और जब कोई चार लोगों में कोई बात करे तो आपको जवाब देने की आप में क्षमता हो, आप उसका खंडन कर सके, विरोध कर सके, और अपने अंदर की जो बुराइयां उनको भी दूर करें आप, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक पुनीत जी, आपने मुझे याद है कि कुछ समय पहले आपने इस किस्म का एक वीडियो भी जारी किया था। मैं समझता हूं कि जो हमारी ऑडियंस है वो एक बार दोबारा आपसे सुनना चाहेगी। आपने ये हिंदू शब्द को लेकर के उसकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च और उसकी व्याख्या, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार उसको उसकी व्याख्या दोबारा से करें सबके सामने। सर क्या है कि वो बिकॉज क्या था, सब हुआ क्या था ना कि अक्सर लोगों का मानना है कि लोगों का एक मानना है कि जो हिंदू शब्द कोई है ही नहीं, ये जो हिंदू हैं ये तो मतलब ये फारसियों की देन है, ये अंग्रेजों की देन है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार, ये तो गलत बात है साला। ये जो हिंदू शब्द क्या है जी, हीनम दुष्यति इति हिंदुः, जो अपने अंदर, हीनम दुष्यति इति हिंदुः, जो अपने अंदर की हीन भावना को दूर करे,
जो दुर्भावना को दूर करे वह हिंदू है, और यह हमारे शास्त्रों में कई प्रमाण है साहब उसके, मैंने पूरे निकाले हमारे ग्रंथों का, तो ये शब्द जो है बिल्कुल प्राचीन है, और हमारे शास्त्रों में शिव पुराण ग्रंथ में है, कई ग्रंथों में, बृहस्पति ग्रंथ में, तो इसका जो जो करक्स जो निकला है कि हीनम दुष्यति इति हिंदू, जो अपने अंदर की बुराइयों का संहार करे, अपने बुराइयों को मारे, अपनी दुर्भावना को दूर करे और लोक कल्याण में जो लगे वो हिंदू है, इस तरह कुछ ऐसा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मुझे लगता है कि आप खासतौर से बॉलीवुड में, मैं भटके में तो नहीं कहूंगा, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बॉलीवुड में जो पूरी एक लॉबी है, वो जिस तरीके से हर बार मैं देखता हूं कि जब भी देश तोड़ने की बात होती है ये लॉबी पूरी ताकत के साथ बाहर निकल के आती है, और ये अलग अलग रंगों में, अलग अलग शक्लों में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग जबान में आते हैं। आप क्योंकि उससे जुड़े हुए हैं, आप जरा अपने लहजे में इन बॉलीवुड में जो जो देश के गद्दार बैठे हैं, जो दाऊद के दलाल बैठे हैं, जो उसके पैसे पे चलते हैं, और इत्तफाक से उस राज्य की सरकार भी उन्हीं लोगों से चल रही है, खासतौर से बॉलीवुड में जो लोग ऐसे में, उनको जरा बेनकाब आप करें और देश को बताएं, क्योंकि आप वहां रहे हैं, एक लंबा जीवन है, आप बहुत सीनियर हैं, क्या आप मानते हैं कि ये तमाम सारा जो बॉलीवुड का धंधा है ये किस तरीके से चल रहा है, और अब ये बॉलीवुड नहीं रहा है, ये भारत तोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका है, और उसमें फिल्मों के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, नेटफ्लिक्स के माध्यम से ये चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए साहब, मैं पुष्पेंद्र जी, हमारे यहाँ पे क्या है, जो कुछ तथ्य हैं जो इस तरह की मतलब मूवमेंट को जो अंजाम देते हैं, बट इसमें हमारे पास कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बात करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ सलमान खान जो है, उनके फादर साहब जो सलीम खान साहब हैं, ही इज अ ट्रू नेशनलिस्ट सर, मैंने आज तक कभी उनसे कोई, उनके मुंह से कोई गलत बात नहीं सुनी, और वो कहते हैं कि नो वी आर इंडियंस फर्स्ट। तो देर आर पीपल हु, अभी आज अजय देवगन बात करता है, अक्षय कुमार ने बात करना शुरू किया, तो लोग हैं कि दे फील वी आर इंडियंस फर्स्ट, नेशन हमारा सर्वोपरि है, ये होना चाहिए, और जो कोई गलत बात करे उसका कॉन्शियसली वी मस्ट टेक अ, इंडियंस एवरी सिटीजन मस्ट टेक अ स्टैंड, ये बहुत ही आवश्यक है। करेक्ट 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 करेक्ट। इस आंदोलन को के बाद में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारे आजादी के बाद उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ आई है, उससे ज्यादा उसके पास बहुमत है, राज्यसभा में भी उसकी ताकत है, लोकसभा में भी उसकी ताकत है, और देश का हर, मैं समझता हूं कि वो सनातनी हिंदू जो इस राष्ट्र से प्रेम करता है वो भी ताकत के साथ खड़ा है, लेकिन उसी में से जो एक राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो ये भी सवाल पूछ रही हैं कि सरकार को, सरकार की तरह जो सरकार का इकबाल होता है, जो सरकार का दम होता है, जो सरकार की ठसक होती है, क्या कुछ लोग शाहीन बाग पर बैठ के सरकार को झुका देंगे? 90 दिन तक सरकार जो है वो सवाल करती रही, सुप्रीम कोर्ट सवाल करता रहा, अब बुराड़ी के अंदर जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, यानी जब हम ये कहते हैं कि प्रभुसत्ता पे हमला, तो प्रभुसत्ता का मतलब ये होता है कि राष्ट्र की सत्ता के जो अंग हैं, तो ये पुलिस पे जिस तरीके का हमला हुआ, पुलिस ने जिस तरीके से जान बचाई, तो ये कहीं एक आम हिंदुस्तानी को ये लगता है कि क्या हमारी सरकारें जो है वो ज्यादा लचीला रुख अपना रही है, और ये लचीला रुख अपनाने का समय नहीं है, तो क्या सरकारों से भी आप कहते हैं कि उसको एक 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 भारत राष्ट्र की 135 करोड़ की जनसंख्या के देश की सरकार की तरह बात करना चाहिए, और हर ऐरा गैरा आएगा और दिल्ली को कोई लाल किले पे उत्पात मचाएगा, कोई रेल भवन के बाहर रात में 26 जनवरी पे सो जाएगा, कोई भारत को गाली देगा, तो ये समाज की अपनी जगह जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का भी जो एक दम होना चाहिए, जो उसकी ताकत होनी चाहिए, ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन 3 महीने तक आपने देश के लोगों को रोक रखा है, सड़कें रुकी हुई हैं, लोग परेशान हैं, वो उनका कोई कसूर नहीं है, तो क्या सरकार को भी बहुत ज्यादा, मैं समझता हूं कि ज्यादा ढील नहीं दे रखी है या ज्यादा लंबा नहीं खिंच गया है, तो ये सरकार को भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी उस ताकत का अंदाजा दिखाए, और राष्ट्र के तमाम करोड़ों लोग जो खामोशी से सरकार की तरफ देख रहे हैं उनको भरोसा दे कि सरकार मौजूद है, और सरकार जो है एक एक लाइन के बाद सरकार अपना जो उसका 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 जो इकबाल है वो उसका इस्तेमाल करेगी।
सर आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। देखिए मैं तो पहले भी मैंने जो शुरुआत की थी बहुत भावुक होकर मैंने कहा था आपसे कि ये वो सरकार है जो चाइना से लोहा ले सकती है, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर ठोक सकती है, ये वो दमखम रखती है। अगर इसने आपको ये थोड़ी कहते हैं लीनेंसी बरती है, आपको आने दिया और आपको ये कुकर्म करने की जो इजाजत दी, क्योंकि यह आपको अपना समझता है कि ये सरदार मेरे अपने हैं, इसलिए कुछ नहीं किया साहब। अगर सरकार चाहती तो ये कहते ना दुर्योधन का जो डायलॉग है ना कि सुई की नोक जितनी भूमि भी ये आगे नहीं बढ़ सकते थे, ये मैं बता दूं इनको। और दूसरी बात है साहब, देखिए क्या एक बहुत दूसरे पहलू से लेते हैं सर। आपको पता है जब जरासंध कंस के मरने के बाद जब जरासंध जो था वो बार बार आक्रमण करे और कृष्ण भगवान लड़ते थे और वो भाग जाता था, फिर छोड़ देते थे उसको, फिर वो आता था, फिर लड़ता था, फिर हारता था और फ्री कृष्ण भगवान जो थे उसको छोड़ देते थे। तो उनके जो दाऊ थे बलराम वो भड़क गए कि क्या आपने कि मारा नहीं उसको, वो आया मार देते उसको। जो बलराम थे उन्होंने कृष्ण से कहा, तो कृष्ण ने कहा कि तब दाऊ अगर मैं पहली बार में मार दूंगा तो बाकी जो दुश्मन जो छुपे हैं उनका क्या, उनको भी तो बाहर निकलने दो। देखिए साहब आपको मैं बताऊं, हमारा जो है हमारे ये देश का जो है ये हमारा एक चलन रहा है, हम लोगों को माफ करते हैं, एक बार गाली दी, दो बार गाली दी, ये भगवान कृष्ण ने किया है। शिशुपाल ने जब उसका पाप का घड़ा भरा, जब 100 गालियां पूरी हुई तो ठक एक उसमें उसका उसने नरसंहार कर दिया। तो ये क्या है, ये सरकार जो है ये इनको सबको ये मौके दिए जा रही है, प्यार से समझा रही है, लेकिन ये नहीं समझ रहे। बट इनको समझना चाहिए कि ये अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो ये हमें अपना समझती है और हमें ये कहते ना रूठे हुए जो बिगड़े हुए जो बच्चे होते ना बड़े, हमें वो भूमिका कब तक चलेगी साहब, ज्यादा मत करिए, सब्र का बांध भरेगा और शिशुपाल मरेगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये क्या है कि बहुत ही हमारी जो सरकार है वो जानते हैं कि किस तरह कर साहब। अगर ये आप एक बात बताइए, अगर दिल्ली में इनको ये इजाजत ही नहीं देते आगे पढ़ने की सिंगू बॉर्डर पर, तो क्या होता? दुश्मन चाहते हैं कि लड़ाई होती, वो अंदर घुसते, हम गोली चलाते, 10-15 लोग मरते। तो ये जो विदेशी जो तत्व हैं, जो ये जो खालिस्तानी जो मूवमेंट है, इनका क्या होता? ये शेम में, उस शर्म में कैसे आज पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है, पूरा हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, पूरी दुनिया में उनको गाली पड़ रही है। तो क्या होता? सरकार ब्लेम, देखो साहब सरकार ने जो है ये जल्लाद हैं, इन्होंने टायरेंट हैं, ये तो डिक्टेटर हैं, ये तो हिटलर हैं, इन्होंने गरीब जनता पर, गरीब किसानों पर, हमारे जो अनुत्पादक हैं इन पर गोली चला दी, इनको इजाजत दी, आए, इन्होंने गलतियां की और पता बता दिया दुनिया को कि देखिए ये आपको देखो एक उनका साइलेंट मार्च भी चला है, किसान एक उन्होंने पीस मार्च भी किया, पर ये जो तत्व जो है, जो ये जो खालिस्तानी जो उग्रवादी तत्व है, उनको एक्सपोज कैसे किया? वो कहते ना साहब साम दान दंड भेद, ये ऐसी राजनीति है कि साम भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। मैं आपको बता रहा हूं हमारी सरकार बहुत ही स्मार्ट है, उन्होंने ये काम किया है। और आपके मन में इस सिलसिले से कोई बात कहनी है तो मुझे बताइए, तो मैं बाकी सवाल पूछ के बात खत्म करूंगा। नहीं साहब आप पूछिए पूछिए, मैंने बस मेरा जो था दुख था कि ये कि वी आर में हर चीज सब छोड़ दीजिए, योर नेशन शुड बी फर्स्ट, यू नो। मैं कहता हूं लगातार आपकी ये पीड़ा रही और पिछली बार भी हम लोग मिलना चाहते थे लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने विदेश में भी मुझसे कहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पुनीत भाई ये बातचीत का सिलसिला जो है किसी घटना पे नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि हमको ऐसा करना चाहिए कि बार बार, क्योंकि देखिए हुआ ये है कि एक लंबे समय के बाद भारत के अंदर अपने अपने स्वाभिमान के प्रति, अपने पुरुषार्थ के प्रति लोगों में एक जागृति पैदा हुई है और उस जागृति को बनाए रखना आपका, मेरा और देश के तमाम सारे बहुत सारे लोग जो है उनका उनका काम है।
क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहुत गलत नैरेटिव चले, बहुत बहकाया गया, लोग भोले भाले लोग हैं वो बहक गए। तो अब मैं समझता हूं कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, और जब भी आपको ये लगे कि कुछ ऐसा विषय है जिसपे आप अपनी बात कहना चाहते हैं, नए तरीके से कहना चाहते हैं, तो हम लोग इस पर बातचीत इसलिए करें कि लोग लगातार सुनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और आपका जो बड़ा दो मैसेज जो मैं आज की बातचीत से निकालता हूं, एक तो ये है कि समाज को ऐसे समय में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, खासतौर से सनातनी हिंदू को भूमिका तय करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मस्जिद से निकलते हैं और उसके बाद पगड़ी बांधते हैं और फिर वहां जाकर के फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं इनके अंदर जो इस तरीके की भावना पैदा कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको 84 का याद दिला रहे हैं, उनको मिसलीड कर रहे हैं। और जो विदेशों से पैसा लोग नए नए लोगों ने कमाया है, जिन्होंने सिख की कृपाण भी उतार दी है, दाढ़ी भी छोड़ दी है, केश भी छोड़ दिए, इन तमाम सारे लोगों से सतर्क रहना है। और समाज में कोई भी भावनाओं में बहकर के कोई कदम नहीं उठाना है जिससे इस राष्ट्र को एक लंबी हानि हो, क्योंकि इस देश में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जिनका आज भी एजेंडा है कि हम दोबारा से इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। और पुनीत जी, आपने दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही इस बातचीत में, उसको मैं फिर दोबारा इसलिए रिपीट करना चाहता हूं कि देश भर में जो सिख ब्रदर रह रहे हैं, जो हमारी सेनाओं में उनका उनका एक रोल है, हमारे देश में उनके टैक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और वो हमसे भी ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर, उनके प्रति कहीं किसी किस्म का रोष नजर नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि इन लोगों ने, ये जो दंगाई बैठे हुए थे, इसमें जिहादी भी शामिल थे, इसमें PFI जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो भी शामिल थी, उनकी शायद कोशिश थी कि सरकार किसी तरीके से रिएक्ट कर दे, इतना गड़बड़ करो, रिएक्ट करो, फिर उसको बेचो। इसी तरीके से मुझे लगता है कि देश भर के अंदर भी ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार को अपने अपरेटस को अलर्ट करना है और समाज के तमाम सारे लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो जो सरकार को आपने मैसेज दिया है आज की बातचीत से, वो मैंने अभी तक नहीं सुना। इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है, इसका रिएक्शन भी कहीं कांग्रेस और ये तमाम एजेंडे वाले लोग कर सकते हैं। Yes. और ये आर्टिफिशियल शुरुआत होगी और फिर उसके बाद में वो चेन बन जाती है, तब इट्स टू डिफिकल्ट टू स्टॉप देम। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि ये जो लोग भोले भोले हैं, जो 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 अजीबोगरीब बातें करते हैं, आज भी वो मोहतरमा निकल के आई हैं जिनकी नाक जो है अपनी नानी से मिलती है, वो ये कहती है, अब पता नहीं उसके भाई का दिमाग किससे मिलता है ये तो बताती नहीं है वो, उन्होंने भी आज कहा है कि हम ये करेंगे वो। तो ये तमाम जो राजनीतिक लोग बेरोजगार हो गए हैं काफी लंबे समय के बाद, सत्ता से बाहर हो गए, तो इनकी बौखलाहट का नतीजा ये है कि उनके लिए ना तो पहले राष्ट्र था ना आज राष्ट्र है, उनके लिए सिर्फ सत्ता है। तो इन तमाम जो 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 सफेदपोश लोग हैं, जो दंगाई हैं, जो जिहादी हैं, और जो हमारे सिख भाई जो बाहर से आए हैं, बाहर से, वहां चाहे जस्टिन ट्रूडो मैसेज कर रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हो, चाहे न्यूजीलैंड से आ रहा हो, ये तो इन सब से अलर्ट रहना है। तो मुझे लगता है कि भाई आपने आज अपने लंबे समय से आपको गुस्सा भी था और आपसे मेरी कई बार बात भी हुई, तो अपनी बात आपने रखी और इसमें जो और भी साफ किया कि सिखों में हम हर एक को सिख मान रहे हैं ऐसा भी नहीं है, और इसमें जितने यहां बैठे हैं उससे 100 गुना सिख जो है वो आज भी भारत राष्ट्र को बचाने और उसके उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन उसके लिए दे रहे हैं, उनको बहकावे में ना आए। आपने अपनी बात रखी पुनीत भाई, और जब आपका मन करे और आपको कुछ और लगे, वी विल सिट टुगेदर एंड डिस्कस। भाई मैं तो केवल आखिर में बस अपने जो सनातनी हिंदू भाइयों से जो मैंने कहना था कह चुका हूं। इवन जो इनफैक्ट जो पंजाब में जो द सो कॉल्ड जो ये जो स्टॉलवर्ट्स हैं, जो बिग विग्स हैं, उनको भी इसका खंडन करना चाहिए। मैंने आज तक किसी भी कलाकार का, किसी भी सिंगर का कोई ट्वीट नहीं देखा विच इज अगेंस्ट दीज खालिस्तानीज। ये उनका भी दायित्व बनता है, कोई रिस्पॉन्सिबल आप कहिए कि ये खालिस्तानी जो है गलत कर रहे हैं और इनको हम बिल्कुल हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, उनको भी इसका खंडन करना चाहिए कि जो 26 जनवरी की जो घटना हुई है वो गलत हुई है, ये करना चाहिए। मैं तो साहब आपको एक और बताना चाहता हूं, 1758 पुष्पेंद्र जी, 1758 में जो हरमंदर साहब है, जो हरी का मंदिर है, उस पर मुगलों ने अटैक किया था, उसका सोने का जो छतर था वो उठा कर ले गए थे,
जो जो सरोवर थी उसमें गाय काट कर कर फेंक कर पूरे खून को लाल कर दिया था, पूरे रक्त से लाल कर दिया था। तो लाहौर से जब सिखों ने कहा कि हमें इसको छुड़ाना है इनके कब्जे से, तो उन्होंने पेशवास को गुहार लगाई थी, वो हिंदू थे, उन्होंने हिंदी स्वराज्य की जो स्थापना का कल्पना की, वो पेशवास महाराष्ट्र से निकले, पहले सरहद पहुंचे, सरहद में उन्होंने मुगलों को हराया, और फिर सरहद से वे अमृतसर पहुंचे, लाहौर से वो सिख थे वो पहुंचे, और उन्होंने जंग साथ में लड़ी और हरमंदिर साहब को बचाया। ये हिस्ट्री है सर, तो ये हर हिंदू को हर सिख को याद होनी चाहिए कि हमने बोलते ना, कहते ना, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ये जो जो लोग जो तत्व जो चाहते हैं हमें तोड़ना, ये बिल्कुल नहीं होने देना। दिस इज व्हाट, बस मैं ये कहना चाहूंगा साहब। एक बस अब ये और बता दीजिए कि बहुत सारे लोगों ने, जब लास्ट टाइम हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने अपनी फिल्म का एक जो टाइटल सॉन्ग है वो भी रिलीज किया था, लोग जानना चाहते हैं ये फिल्म कब तक आ रही है, और लोग मुझसे पूछते हैं और मुझे पर बहुत जल्द उसका पोस्ट प्रोडक्शन तकरीबन खत्म होने वाला है। संघार द मैसेकर फिल्म का नाम है सर, उसका टाइटल ट्रैक जो है वो कैलाश खेर जी ने गाया है, और हमारे वो जो यूट्यूब चैनल शोमैन थिएटर प्रोडक्शन पर है, तो कृपया संघार कर को आप भी ट्वीट करिएगा कि लोग उस गाने को सुने, उसको हमारे चैनल को लाइक करें, और हमारी जो फिल्म है ये तकरीबन सर विद इन अ मंथ्स टाइम रिलीज होने वाली है, उसकी डेट हम अनाउंस करेंगे, और बहुत ही सशक्त ज्वलंत फिल्म बनी है, वो साधुओं की निर्मम हत्या पर आधारित है, और अब हमने उससे प्रेरणा लेकर जो पालघर में जो मारा गया था उनसे प्रेरित होकर हमने फिल्म बनाई है, और गौ हत्या के सख्त खिलाफ है, सनातन धर्म की विचारधारा उनकी वैल्यूज को रखकर हमने ये फिल्म बनाई है, और ये सर एक महीने के अंदर हम रिलीज करेंगे। थैंक यू पुनीत भाई, मजा आया आपसे बात करने से, कितनी सारी चीजें आपने बताई, खासतौर से वो जो आपस का मामला है और सिखों का कंट्रीब्यूशन क्या है और किस तरीके से उनके साथ क्या क्या हुआ, और क्या जिस तरीके से हिंदू और ब्राह्मणों और हम सबका जो उनके साथ में रिश्ता है और वो कितना गहरा रिश्ता है। लेकिन एक बात आपने बड़ी मार्मिक कही कि जो लोग आज खड़े होकर के, हो सकता है चंद लोगों ने पैसा कमा लिया हो बाहर जा करके, जो गालियां दी जिस तरीके से उन्होंने, और ये कहा कि दो दो रुपए में इनकी औरतों जो थी वो चली जाती थी, तो आज आपने बताया कि वो तुम किसको गाली दे रहे हो, अपने ही पूर्वज अपने माता पिता को गाली दे रहे हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये तुम किसी हिंदू को नहीं दे रहे, तुम अपने पूर्वजों, पहला सिख बना, हर पहला जो बंदा सिख बना उसकी मां हिंदू थी, उसका बाप हिंदू था, तो आप अपने पूर्व को, अपने माता पिता को गाली दे रहे हो सर। आप इनके गुरुओं के सब नाम देखेंगे, सारे हिंदू नाम हैं, कोई खत्री था तो कोई बेदी था, एंड में गुरु तेग बहादुर जी राय थे, गुरु गोविंद सिंह राय जी 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 जी, तो आदर के पात्र हैं, और हम इनके, हम जी देखिए मेरा ये कहना है कि मेरे लिए जो सब धर्म जो है, मैं सबकी इज्जत करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जब आपकी इज्जत करता हूं तो हमारे भी धर्म की इज्जत हो, हमारे जो देवी देवता हैं वो कोई जो है वो के रस्ते पर नहीं खड़े कि आप उनका कोई भी आप अनादर कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। तो बस एंड में मैं कहना चाहूंगा, जय भारत, जय भारती, जय अपना हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म, जय सिख धर्म, भारत माता की जय। थैंक यू पुनीत भाई, थैंक यू वेरी मच, हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। और इतने सारे लोग हैं, हेमा त्यागी हैं, और इसमें मुकेश उपाध्याय जी हैं, पीयूष कुमार सिंह जी हैं, प्रिंस सिंह जी हैं, मस्ती बॉय हैं, तमाम सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, लगातार कमेंट आ रहे हैं, आप सबने हमारे साथ जुड़ करके पुनीत भाई ने जो एक दो तीन बातें कही हैं उसको हर आदमी इसको गांठ बांधे और इन बातों को आगे फैलाए, क्योंकि ये सिर्फ बात टेलीविजन पे या यूट्यूब पे बैठ करके सुनने से ज्यादा ये है कि इसके पीछे का जो एप्रीहेंशन है उसको समझें, और किसी को भी अपने हाथ में इस भावनाओं में बह करके किसी को गलत रास्ते पे जाने से रोकें। पुनीत भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, नमस्कार।